अब खबर महाराष्ट्र से। फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है, महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी ली है। डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश, असेंबली इलेक्शन के लिए करूंगा काम। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हार का जिम्मेदार वो खुद को मानते हैं, हार की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं और अब आगे असेंबली इंतखाब के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे। इसी वजह से अपने ओहदे से इस्तीफा देने की बात देवेंद्र फडणवीस यहां करते हुए नजर आए हैं। अहम जानकारी महाराष्ट्र से। कल महाराष्ट्र में जिस तरह का मुजाहरा बीजेपी का रहा, उस पर अब यहां जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आए हैं। फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम पद से वो इस्तीफा देंगे और असेंबली इलेक्शन के लिए अब आगे काम करेंगे। लोकसभा इंतखाब के नतीजे आने के बाद तमाम रियासतों में हलचल इस वक्त तेज है। ऐसे में फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापिस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे।